कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर अंडानी अंबानी से रिश्ते के आरोप तो आए दिन लगते ही रहते हैं, लेकिन अब कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के चंदे के धंधे का खुलासा किया है। जी हां, राहुल गांधी के आरोपों के बाद मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले आम है। पीएम मोदी पर विपक्ष कभी तानाशाही के आरोप लगाता है तो कभी अंबानी अडानी की सरकार बताता है। मोदी सरकार लगातार ही विवादों में घिरी रही है और अब एक बार फिर मोदी सरकार सवालों के कटघरे में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार की अवैध नीतियों का खुलासा किया है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पोस्ट लिखी है। कांग्रेस सांसद ने कहा, आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है। देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी और आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा चला रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया, मित्र की कंपनी को बेमायने से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्ट्रोल बोर्ड ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। उसके इस पोस्ट के बाद सियासत मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है और पीएम मोदी की सरकार आरोपों से घिर चुकी है। पीएम मोदी अब कैसे बचाएंगे खुद को इन सभी आरोपों से, ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।